वैसे तो डिवाइन मैस्कुलिन के अवेकनिंग के क्या साइन है वो आपको बहुत सारे जो है वीडियोस में मिल जाएंगे। वो तो ट्विन जर्नी में मिलते ही रहते हैं, तितलियाँ हो या इन्फिनिटी का सिंबल हो या जोड़े हो, तितलियों का जोड़ा हो, तो अनलिमिटेड साइंस है जो आगे पीछे मिलते रहते हैं। बट मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल साइन क्या है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ घटित हुआ है। देखो, मैंने फिनिक्स विज राइज ऐसा वो वीडियो था या कुछ और वीडियो था पता नहीं, राकेश शर्मा जी का, तो उन्होंने बताया था कि अगस्त नवंबर में कुछ अवेकनिंग होगी, और उससे पहले ही आई थिंक सितंबर अगस्त से ही शायद अगस्त सितंबर से ही शायद मुझे 369 963 693 पता नहीं, वो मतलब अलट पलट के 369 मुझे दिख रहा था, तो वो तो दिखना शुरू हो गया था। और उस टाइम पे थी हमारे घर में एक शादी जो कि बहू आने वाली थी हमारे घर में। तो उस टाइम पे हम जर्नी पे जा रहे थे, इसलिए मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ा आईब्रोज कराने के लिए। तो मैं वहाँ पे जा रही थी तो मैंने देखा कि गाड़ी पर भी, उससे पहले ही मुझे एक दो दिन पहले 143 143 143 दिखना शुरू हो गया था, गाड़ी पर भी 143, मोटरसाइकिल पर भी 143, कहीं भी देखो 143 नंबर दिखाई दे रहा था। और ये नंबर मुझे दिखाई दिए, किसी एक वीडियो में मैंने देखा कि 17 नंबर भी बहुत दिखाई देता है, तो हाँ मुझे 17 नंबर भी बहुत दिखाई दिया। और उसके बाद हो गई मेरी कुंडली राइजिंग जो कि नवंबर 30 को हुई, और 21 में, 2021 में 30 नवंबर को हुई मेरी, जब मेरी एज होगी 37, 37, और 37 की एज में बराबर 37 हो के 1 महीने बाद, मतलब 30 अक्टूबर को आता है मेरा बर्थडे, उसके 1 महीने बाद मतलब 30 नवंबर को मेरी दोपहर को कुंडली राइज हुई। मैं अपने लेफ्ट साइड में सो रही थी तो मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ। 3.5 घेरे नीचे लेती है जहाँ बंदर की पूँछ होती है ना, तो एनर्जी जो है 3.5 घेरे लेती है और स्ट्रेट ऊपर चढ़ती है। आपको ऐसे कोई चींटी चढ़ रही हो ऐसा लगता है, और आप बार बार वहाँ पे छू के देखते हो कि क्या है ये, क्या है ये, तो एकदम से कुछ नहीं होता, पहले से ही आपकी कुंडली थोड़ी बहुत राइज होती है, सेंसेशन देते रहती है, घूमती रहती है, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाती। अगर एक बार ऊपर चढ़ गई तो पूरी पहुंच ही जाती है। तो वो जब 3.5 घेरे लेती है और एक सलाइन में जैसे वाटर चढ़ता है ना, वैसे वो एक फ्लो रहता है, एनर्जेटिक फ्लो, स्लाइटली करंट जैसा, करंट नहीं होता है लेकिन करंट जैसा होता है। तो चींटी चुभते चुभते चुभ रही है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, तो चुभते चुभते ऊपर चढ़ रही है, ऐसा जर से चढ़ता है ऊपर, स्लोली नहीं चढ़ता, बहुत ही फास्ट नहीं चढ़ता लेकिन थोड़ा सा चढ़ता है। ये होने के बाद आपके ब्रेन में एक अच्छा सा कुछ केमिकल क्रिएट हो जाता है, आई डोंट नो, इंसान खुश रहने लगता है। अब ये कौन सा केमिकल क्रिएट होता है ये तो आप सर्च करो, या किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। तो कुंडली राइज होती है, और क्योंकि आपकी कुंडली राइज हुई है तो मतलब आपके काउंटर पार्ट में भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे ना, और ये कुंडली राइज 5D में दोनों का मिलन होता है, तो मिलन सेक्स जैसा नहीं दिखाया जाता, मुझे तो नहीं दिखाया दिया सेक्स जैसा। मैंने डीएम डीएम बैलेंस का कुछ और सोल मर्जिंग का वीडियो जाकर देखिया कैसे उनका मिलन दिखाया गया, जैसे एक तितली होती है ना एक फूल से दूसरे फूल में जाती है, बस वैसे ही उनका मिलन दिखाया गया। कोई भी ना उसका शरीर था ना मेरा शरीर था, जैसे दो आत्माओं का ही सिर्फ मिलन था, शरीर हमें नहीं दिखाई दिया। बट साइन एंड सिम्टम्स बड़े पक्के दिखाए गए कि ये जो है मिलन हो रहा है दो आत्माओं का। उसके बाद मुझे गुलाबी पत्थर सपने में दिखाई देने लगे, बहुत ही प्यारे से,
और गुलाबी गुलाबी, जहां मैं कदम रख रही हूँ वहां मुझे नीचे गुलाबी क्रिस्टल दिख रहे हैं बड़े बड़े। एक बार डार्क दिखाई दिया, कभी गुलाबी पेंसिल, गुलाबी क्रिस्टल बॉल, ये भी मुझे दिखाई देने लगे। और एक बार तो मैंने ऐसे कुछ देखा कि एक गुलाबी बॉल के ऊपर कुछ पिरामिड है, एमेथिस्ट का है। अभी एमेथिस्ट जो जामुन कलर का क्रिस्टल होता है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जामुन क्रिस्टल और गुलाबी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल दोनों एक साथ दिखना ये बताता है कि ये स्पिरिचुअल लव है। ओके, स्पिरिचुअल लव मतलब जामुन कलर को जो है सहस्रार चक्र से देखा जाता है, और सहस्रार चक्र जो हमारा होता है दैवी शक्तियों से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ से हमें मैसेजेस उसको मिलते हैं। और रोज क्वार्ट्ज हार्ट के लिए बहुत, लव के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोनों एक साथ मिलना मतलब आपका स्पिरिचुअल लव इसको दिखाता है। गुलाबी क्रिस्टल बहुत ही प्यारे प्यारे मुझे दिखने लगे, और क्योंकि हम इंडिगो चाइल्ड है तो दो बटरफ्लाई बिल्कुल ब्लू वाली एक फूल के साथ दोनों ऐसे आगे पीछे घूम रही है, एक ही फूल पे घूम रही है, मस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल था वो सीन। और बहुत ही सुंदर बटरफ्लाइज थी ब्लू वाली, ऐसे बटरफ्लाई तो शायद मैंने देखी भी नहीं है कभी रियल में। एक कछुआ दूसरे के कछुए के पीछे भाग रहा है, ये तो बहुत बार मुझे ड्रीम आया है, जैसे प्रेमी जो है अपनी जो प्रेमिका के पीछे भागता है, तो नदी में एक कछुआ दूर भाग रहा है तो दूसरा ही उतनी स्पीडली उसको चेज कर रहा है, ऐसा मैंने देखा। और वो देख के मेरे फादर बहुत हंस रहे हैं, ऐसा भी मैंने देखा। बट पता नहीं क्यों उस ड्रीम में मैंने अपनी नानी को देखा कि जब वो चेज कर रहे थे नदी में कछुए, तो वो मुझे थोड़ी सी बीमार सी दिखी। शायद ये बता रहे हैं कि भाई एंसेस्टर हीलिंग करो आप, आपका यूनियन हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये मैसेज होता है। और तो ज़रूर, क्योंकि मुझे नानी एक बार फिर से बोल रही थी तुम्हारे कपड़े धो धो के मेरे हाथ दुख रहे हैं, एक बार पहले बोला था उन्होंने मुझे, बाद में फिर से उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत थक गई हूँ। क्या होता है इन लोगों की जान हमारे अंदर अटकी हुई रहती है, तो अपनी पूरी एनर्जी जो है ये आपको दे देते हैं, पूरी शक्ति दे देते हैं, तो ये सूखे हो जाते हैं, इनके ऊपर भी अटैक्स होते हैं, इनको भी मदद की ज़रूरत होती है। ये भी हमसे जितनी आत्माएं मतलब हमारी नानी वगैरह जो उनके डीएनए हमारे होते हैं, तो वो भी बहुत प्योर सोल्स होती है, तो उनको भी मदद की, जैसे आप डिवाइन फेमिनाइन हो फिर भी आपको मदद की ज़रूरत है, वैसे ही वो उन सोल्स को भी मदद की ज़रूरत होती है। तो भगवद गीता का 7th चैप्टर पढ़िए, पीपल की पूजा कीजिए, पितरों के लिए प्रार्थना कीजिए, पिंडदान, जहाँ पवित्र स्थल हो वहाँ पिंडदान कीजिए, श्राद्ध पक्ष कीजिए, अमावस्या को कुछ दान कीजिए ताकि रियूनियन हो जाए और इनके इनके आत्माओं को शांति भी मिल जाए। फिर से मैंने एक ड्रीम देखा उसी टाइम पे, ओके, कि मैं अपने कॉलेज में गई हूँ और वहाँ पे मैंने गड्ढा, जैसे पेड़ लगाने के लिए खोदते हैं ना, तो मैं खोद रही हूँ, जैसे हीरे की खान लगती है ना, बड़ी सी मार्बल की हीरे की कुछ खान, वैसे डायमंड टाइप, जैसे नमक होता है ना, खड़ा नमक, ऐसे गोटियाँ गोटियाँ छोटी छोटी निकलती है, खड़े 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 खड़े, हमारे मराठी में खड़ा बोलते हैं उसको, दाने 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 निकलते हैं ना, चौकोनी या कुछ ऐसे, तो वैसे मुझे पिंक कलर के खड़े दिखने लगे। मतलब जितना भी मैं खोद रही हूँ पिंक ही कलर है, जितना भी खोद रही हूँ पिंक ही कलर है, जैसे रत्न हाथों में लग गए हैं, जैसे डायमंड की खान लग गई है मेरे हाथों में, और उसमें से जो है पिंक कलर के डायमंड निकल रहे हैं। उसके साथ साथ 9/6 नंबर तो पहले से ही, मतलब वो तो आई थिंक मार्च 21 से ही दिखना शुरू हो गया था और काफ़ी टाइम तक दिखता है 96 नंबर। 96 के बाद 396 वगैरह ये सिंक्रोनिसिटीज दिखने लगी। उसके पहले भी मुझे एक ड्रीम आया था, लेकिन आई डोंट थिंक कि तब उनकी अवेकनिंग हुई होगी। अवेकनिंग क्यों हुई होगी ऐसा अंदाज़ा मैं क्यों कर रही हूँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि जितने लेसन्स मेरे डीएम को दिए गए हैं कि उनको जो है बिजनेस में लॉस हुआ, और जितने वीडियोस मैंने शेयर किए हैं वो सारे ट्रू निकले, तो एक कितना भी लॉजिकल इंसान हो फिर भी उसको एक स्टोरी दी जा रही है ट्विन फ्लेम की,
और वो देख रहा है कि हमारे जीवन की स्टोरी ऐसी ही है जैसे मैंने फैमिली बैकग्राउंड की वीडियो शेयर की, जो कि सभी देख सकते थे, मेरे डीएम भी, डीएम की वाइफ भी, मेरे कार्मिक भी, सभी देख सकते थे। तो सबने ये देखा कि भाई डिसफंक्शनल फैमिली से लेकर कैसे डीएम का बचपन होता है, कैसे वो एक मतलब उसकी फैमिली थोड़ी सी होती है गरीब, ओके, बचपन में गरीब नहीं कह सकते लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि मेरे फादर की लाइफ में, क्योंकि मेरे फादर भी डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो उनकी लाइफ में बहुत गरीबी थी बचपन में, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत से जो है सब कुछ खड़ा किया। तो शायद डिवाइन मैस्कुलाइन भी थोड़े से प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि डिसफंक्शनल फैमिली रहती है तो मनी ब्लॉकेज उनके रहते हैं, और उस मनी ब्लॉकेज में बहुत मेहनत से वो ऊपर निकलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में। तो पूरी स्टोरी मतलब उनकी उनको बताए थे, एक थर्ड पार्टी की भी, मतलब अगर उनकी वाइफ वगैरह हो तो उनकी भी एक इमेज बताई गई है कई सारे वीडियोस में जो मैंने नहीं बनाया। तो उसमें बताया गया कि कैसे वो एक मतलब इमेज कॉन्शियस होती है, दिखने से लेकर बात करने से लेकर अपनी इमेज पर कभी भी कोई ये नहीं आने देती, बड़ी टिप टॉप रहने वाली, लेकिन बाहरी इमेज को ही वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, अंदर की इमेज पर उतना ध्यान नहीं देती। कैलकुलेटिव माइंड होती है, मनी माइंडेड थोड़ा सा, और ये सच है, ऐसा होता है। और ये भी क्वालिटी बताई गई थी कि डीएम के फैमिली मेंबर्स जो होते हैं बहुत केयरिंग दिखाते हैं, बट सबको उनसे जो होता है गेन फायदा ही चाहिए होता है। तो मैं पर्सनली अपने डीएम के लिए ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मैं उन फैमिली मेंबर्स को नहीं जानती, मैं इतने जानकर भी नहीं, मतलब नहीं जानती, हम कभी गए भी नहीं उनके घर में, ओके, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जानती। तो इसीलिए बेवजह मैं आरोप नहीं करना चाहती कि कौन कैसा है, पर जनरली कहा जाता है, मतलब मैंने वो सारे वीडियोज शेयर कर दिए थे जिससे, और कब राइजिंग होगी ये भी बताया था राकेश शर्मा जी के वीडियो में, तो वो नंबर उन्होंने करेक्ट बताया कि ये नंबर आपको दिखेगा। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत तरस जाती थी 369 देखने के लिए, वो मुझे गलती से भी नहीं दिखता था, लेकिन जैसे ही अवेकनिंग शुरू, अभी भी बहुत दिखता है, अभी बताती हूँ, अभी मुझे सीरियल नंबर बहुत दिखते हैं, जैसे 1 2 3 2 3 4 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर, सीरियल नंबर बहुत दिखते हैं। अभी तो जब अच्छा होने लगा है सब कुछ, ब्लू बटरफ्लाई भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, वीडियो डाला है मैंने छोटा सा, उसमें ब्लू बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी, 786 नंबर जो मोमेडियन मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत शुभ समझा जाता है, वो भी नंबर मुझे दिखा। जैसे गजरे के सफ़ेद फूल होते हैं ना, तो मैंने देखा कि झाड़ू को फूल लगे हुए, ये भी अभी बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं। जब मैं पैसे कमाने लगी उस टाइम पे मुझे दिखाने लगा कि जैसे आप मुझे सब मैडम बुलाते, पहले कौन बुलाता था, क्या कुछ भी नहीं बुलाता था, तो मैंने वो ड्रीम देखा कि भाई मैं जो हूँ अपनी बॉस के साथ केक काट के खा रही हूँ, मतलब एक ही टेबल पे, मतलब तुम्हारा स्टेटस अब बढ़ गया है कि तुम बॉस के साथ बैठकर केक खा रही हो, ओके, और मैं किसी बहुत बड़े लीडर के जैसे फंक्शन में गई, नहीं काटा तो ऐसे कुछ भी ड्रीम आने लगे, मतलब जो बताता है कि अभी आपका स्टेटस जो है हाई होने वाला है। मगर वो ड्रीम्स बड़े स्पेशल रहे, जो ब्लू पिंक क्रिस्टल मुझे दिखाई देने लगे हर जगह, मतलब पिंक कलर दिखाई देता है, राधा कृष्ण की इमेज भी मुझे दिखाई दी वैलेंटाइंस डे के एक दो दिन पहले शायद। और आश्चर्य की बात है, शिव शक्ति डिवाइन पर यही चैनल है शायद उनका, तो उन्होंने भी बताया कि आपको राधा कृष्ण की इमेज दिख सकती है वैलेंटाइंस डे के आगे पीछे कुछ, वो भी उन्होंने वीडियो डाला था। और मैंने आपको बताया कि शायद डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे मिलने आ सकते हैं, मैंने ड्रीम में देखा कि मेरे डीएम की जो शॉप है वहाँ पे मुझे राधा कृष्ण की दो इमेजेस दिख रही है, फोटो दिख रही है, और उसमें से आवाज़ आई श्री कृष्ण की, मैं आऊँगा, और ऑटोमेटिक मेरे घर में उनकी एक राधा कृष्ण वाली इमेज फ़ोटो मेरे घर में आ गई, जो कि मुझे गिफ्ट दी गई, ओके। तो ऐसे कुछ मैसेजेस मिलना शुरू हो जाता है। देखो अवेकनिंग मतलब जाहिर सी बात है, अवेकनिंग के तो जितने सारे वीडियोस में अवेकनिंग बताई गई है वो साइन ट्विन जर्नी में आगे पीछे मिलते ही रहते हैं, बट
मुझे लगता है ये बहुत ही परफेक्ट साइन है अवेकनिंग का, कि अवेकनिंग के बाद उनके मन में, डीएम के मन में आपके लिए ट्रू लव जो है जागृत होने लगता है। और जबकि डिवाइन फेमिनाइन उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाती, जैसे मुझे भी नहीं बिलीव हो रहा कि कोई मुझसे ट्रू लव कर सकता है, अभी भी नहीं होता। तो ये शायद मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, जब आप खुद ही नहीं बिलीव करोगे तो कैसे वो करेगा। ओके, तो जैसे ड्रीम में मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं बाय एंजल्स के थ्रू, जैसे कोई मेरे बाल खींच रहा है, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं लेकिन हाथ में लिए है खींचने के लिए, बट खींचे नहीं अभी तक। तो इतने चार लोग मेरे बाल खींचना चाहते हैं, जस्ट हाथ में लिए हैं खींचने के लिए। तो सामने से वो अलर्ट जैसे गार्ड होता है ना, तो वो बोलता है देखो वो जो है ना डिवाइन मैस्कुलाइन, वो इससे दुनिया में अगर वो किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो इससे करता है। तो तुरंत वो चार लोग जो होते हैं, जो डीएम के आसपास के लोग होते हैं, पता नहीं कौन है बट उससे ही कनेक्टेड लोग हैं, तो वो छोड़ देते हैं उसके बाल। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी काउंटर पार्ट, आपके सोल, आपके हाफ सोल, आपके डीएम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो गुलाबी पत्थरों वाला सीन बड़ा दिखा मुझे, और भी कई सारे साइंस है, शायद मुझे लिख के रखने चाहिए थे, या जब जब मुझे याद आएंगे मैं आपको बताऊंगी, या मेरे अगले पीछे वाले वीडियो में भी आपने देखे होंगे तो मैंने कई सारे डिस्कशंस किए हैं मुझे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिले हैं। तो हाँ भाई, अगर अवेकनिंग हुई है तो ट्रू लव भी तो जागृत होगा आपके लिए, ट्रूली दिल से तो लव होगा। जाहिर सी बात है, जब आपका, देखो मैंने अपने डीएम के लिए कभी भी कुछ फील नहीं किया था 2 साल में, जब वो मेरे आसपास थे तो मैं भागती थी, मेरे मन में कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट जब एक होता है ना कि दोनों एक दूसरे के, ऐसा संयोग भगवान कराते हैं कि दोनों को एक दूसरे के सामने एटलीस्ट 1 मिनट के लिए तो खड़ा करवाते हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है। जब वो एक दूसरे की आंखों में डीपली देखते हैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन सबसे पहले हिप्नोटाइज हो जाता है, वो अपने होशो आवाज खो बैठता है और पागल हो जाता है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन के लिए उसका पीछा करना, पहले भी करता है वो, अब तो मतलब मैडली उसको चेज करना शुरू कर देता है। और उसको जो है डिवाइन फेमिनाइन के सिवा आप कोई दिखाई नहीं देती, और क्योंकि वो उसकी हाफ सोल होती है, और वैसे भी उनके सोल को किसी न किसी की सर्च रहती है, तो वो चेजर की एनर्जी में हमेशा रहते हैं, किसी न किसी के मतलब रहती है उनके हाफ सोल, तो कई सारे कनेक्शंस उनकी लाइफ में आते ही रहते हैं। बट आई डोंट थिंक कि डिवाइन फेमिनाइन के बाद कोई कनेक्शन आ सकता है, आ सकता है तो ठहर नहीं सकता, क्योंकि अवेकनिंग के बाद जो है जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान नहीं रह सकता, वैसे उनकी सोल अब डिवाइन फेमिनाइन के सिवा नहीं रह सकती, क्योंकि उसी वही फूड है उनकी सोल का जो है, वही फूड है शक्ति के शिव सिवा जो है शिव नहीं रह सकते। तो आंखों में देखने से जब आपका हार्ट चक्र लिटरली एक्टिवेट होता है, जैसे सुदर्शन चक्र एक्टिवेट होता है ना, एक लिटरली एक फील होता है कि एक चक्र है हार्ट के अंदर, वैसे 7 चक्रा भी होते हैं, कुंडलिनी चक्र भी होता है, हाथों में भी चक्र होते हैं, तो बहुत सारे चक्र होते हैं, उनमें से एक है हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे आपका एक्टिवेट हुआ था, कुछ समय बाद डिवाइन मैस्कुलाइन का भी एक्टिवेट हो जाता है, तो ये साइन है कि उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ है, जो आपको पिंक कलर दिखा रहा है ड्रीम में, पिंक कलर के क्रिस्टल दिखा रहा है, पिंक कलर का कुछ भी हो सकता है। तो ये साइन है आपके डीएम का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया है, मतलब उनके दिल में प्यार जागृत हो चुका है। तो उनकी अवेकनिंग का यही सबसे बड़ा साइन मैं मेरे लिए समझती हूँ कि मेरे डीएम की ज़रूर कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुई है, और जितने झटके उनको दिए गए हैं, जैसे बिजनेस में नुकसान हो, या उनको 2 बार कोरोना हो गया था, या जो भी हो, बट ये साइन है कि इतना धो धो के भगवान ने उनको जो है अवेकनिंग दे दी है, दो भी पछाड़ के एकदम साफ कर दिए, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए और अवेकनिंग आ चुकी है। मतलब मुझे अंदर से फील हो रहा था कि हाँ, इनको अवेकनिंग आ चुकी है। थैंक यू दोस्तों।